प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सिलवानी नगर में विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। स्वयंसेवकों का पथ संचलन एकत्रीकरण और भगवा ध्वज और घोष दल के साथ सीएम राइज स्कूल से प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी स्वयंसेवक हाथों में लाठियां लेकर साथी हो जाओ तैयार गीत सहित अन्य राष्ट्रीय गीतों के उद्घोष के साथ बैंडबाजों की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन सिलवानी भोपाल मार्ग से होते हुए पुराना बस स्टैंड गांधी आश्रम, पुराना बस स्टैंड गांधी चौक, सरस्वती नगर से होकर पुनः सीएम राइज स्कूल ग्राउंड पहुंचा। पथ संचलन के दौरान जगह जगह सभी मार्गों पर पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम में विभाग सह संघ चालक एवं खंड संघ चालक उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य वक्ता ने संघ के विभिन्न कार्यों और विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर और प्रसंगों से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ पंच परिवर्तन लेकर अलग अलग वर्गों को मिलाकर समरसता, पर्यावरण एवं जन जागरण कर हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए संकल्पित है। संघ के द्वारा समाज में पंच परिवर्तन करने की बात करते हुए स्वयं सेवकों से आह्वान किया गया कि सभी में समरसता और एकता हो, ताकि समाज अपने आदर्श रूप को प्राप्त हो सके। सिलवानी से आशीष सैनी की रिपोर्ट।